Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I'm going to tell you how you can do the tight curls by yourself. So without further late, let's get started. तो आपको टाइट कर्ल्स करने से पहले अपने बालों को अच्छे से सेक्शंस में डिवाइड करना होगा और ध्यान रहे आप बालों को बैक साइड से टू पार्ट्स में डिवाइड करें एंड आपको जो टोंग है उसको बैक साइड से ले करके बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके और उसके बाद उनको रोल करना होगा टोंग के ऊपर एंड टोंग में एक बार रैप करने के बाद आपको 1 to 2 मिनट बालों में टोंग को रहने देना है और उसके बाद आप बालों को निकालना चालू कीजिए फ्रॉम दी टोंग. You can see the result. अगर आप सेक्शन बड़े बड़े लेते हैं तो टोंग का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा और ज़्यादा फिनिशिंग नहीं मिलेगी. और आपको टोंग ऑपोजिट साइड से ला करके और उसके बाद आप दूसरे साइड के एरिया को आप कर्ल कर सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपने राइट साइड के सेक्शन के लिए मैं अपने लेफ्ट साइड से टोंग को लेकर के आई हूँ और वहाँ से मैं अपने बालों को कर्ल कर रही हूँ. ये ज़्यादा इजी तरीका है, आप अपने आप घर में कर्ल्स कर सकते हैं इससे, अदरवाइज आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है. टोंग करने से पहले आप हीट प्रोटेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, मुँह से इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बालों में ज़्यादा हीट लगे तो बाल ज़्यादा डैमेज ना हो. टोंग के डिफरेंट साइजेस आते हैं, जैसे कि मैंने जो टोंग लिया है वो सबसे स्मॉल और टाइट कर्ल्स करने के लिए इस्तेमाल होता है. आपको जिस तरीके के कर्ल चाहिए आप टोंग का उसी साइज़ का इस्तेमाल करें और उसी तरीके से आपको कर्ल्स मिलेंगे. एंड नाउ यू कैन सी द मैं जो प्रोसीजर स्टार्टिंग से कर रही हूँ वही प्रोसीजर आपको पूरे बालों के लिए फॉलो करना है, राइट सेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड साइड से और लेफ्ट सेक्शन के लिए राइट हैंड साइड की तरफ से आप टोंग लेकर के आइए और आप टाइट कर्ल्स कर सकते हैं. आप इससे लाइट कर्ल्स के लिए भी आप इसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं. बैक सेक्शंस के लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि आप बालों को किस तरफ से मोड़ रहे हैं. बट जब भी आप फ्रंट सेक्शन के लिए काम करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बालों की जो पोजीशनिंग होगी वो फ्रंट टू बैक जाएगी. और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जिस तरीके से टोंग को मैंने आगे से बालों को बैकवर्ड की तरफ मैं मोड़ रही हूँ और इसी तरीके से आपको फ्रंट सेक्शंस को प्लेस करना है. और ध्यान रहे टोंग को ज़्यादा स्कैल्प के पास ना लेकर के जाएं, 1 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए आपकी स्कैल्प और टोंग के बीच में, अदरवाइज आपको हीट लग करके आप जल सकते हैं. इसी तरीके से सारे छोटे छोटे सेक्शंस लेकर के आप सारे बालों को टोंग कर लीजिए. सबसे ज़्यादा ऐसे चेहरे के लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं जिनका चेहरा पतला हो या उनके बालों की जो डेंसिटी है वो बहुत फाइन हो और उनके उनको अपने फेस पे फुलनेस चाहिए या फेस हैवी दिखाना हो, तो उनके लिए टोंग और कर्ल्स बहुत अच्छा काम करते हैं. या कभी ऐसा भी होता है किसी का फेस बहुत हैवी है तो उसको कवर अप करने के लिए भी टोंग का हम इस्तेमाल करते हैं.
तो आप अगर अपने हेयर स्टाइल में कर्ल्स चुन रहे हैं तो ध्यान रख करके अपने फेस के शेप और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कर्ल्स करें। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मेरे बालों की लेंथ ज़्यादा है और उसको करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर ये छोटे बालों के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा, या मीडियम लेंथ के लिए तो आप टाइम के अकॉर्डिंग भी अपना हेयर स्टाइल चुन सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेसिंग होती तो बाल सिर्फ सीधे होते हैं, और अगर आप अपने लिए टाइट कर्ल्स चुन रहे हैं तो इट टेक्स अ टाइम मोर देन नॉर्मल हेयर स्टाइल।
के फ्रंट सेक्शन को करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आपको बालों का स्टाइल किस तरफ रखना है या बालों का पार्टिंग किस तरफ रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आप टोन करें। सो गाइज, दिस लुक इज द फाइनल लुक। नाउ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट द टाइट कर्ल्स, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।